नमस्ते दोस्तों मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर इनपुट क्रेडिट के बारे में तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अगर आप अपना बिजनेस मेंटेन करते हैं तो बिजनेस मेंटेन करने के लिए तो आप जी टी ए की सर्विस लेते हैं अगर आप जी टी ए की सर्विस किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी से लेते हैं तो वो जी टी ए की जो सर्विस है वो अंडर आर सी एम के फॉल होती है एंड आर सी एम का जो रूल है उसमें देखिए जो रिसिपियंट होता है अगर आप किसी जी टी ए की सर्विस लेते हैं तो जो रिसिपियट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अनरजिस्टर्ड पार्टी से अगर आप परचेस करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स आपको अप्लाई करके गवर्नमेंट को पे करना होता है उसके बाद उस टैक्स को आप गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हैं ये प्रोसेस होता है आर इनपुट क्लेम करने का रिसेंटली डिपार्टमेंटल ऑडिट हुआ है जिसमें ये पाया गया है कि लोग जो आर सर्विस लेते हैं यानी कि जो जी टी की सर्विस लेते हैं किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी से पहले वो उसके ऊपर टैक्स अप्लाई करते हैं बाद में गवर्नमेंट से वो क्लेम कर लेते हैं बट जैसा कि डिपार्टमेंट का ऑडिट हुआ है उस ऑडिट में ये पाया गया है कि जो भी आर का इनपुट क्लेम करेगा उसका जो इनपुट है वो अब डिसअलाउ कर दिया जाएगा क्यों किया जाएगा इसका क्या रीज़न है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ तो सेक्शन सिक्सटीन आपको पता होगा अगर आप कोई भी इनपुट क्लेम करना चाहते हैं तो अंडर सेक्शन सिक्सटीन में आपके पास प्रॉपर इन्वाइस होना चाहिए डॉक्यूमेंट्री होनी चाहिए या फिर आपके पास डेबिट नोट होना चाहिए अगर आप इनपुट क्लेम करना चाहते हैं तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं कि जो आर का इनपुट आप क्लेम करते हैं वो आपका डिसअलाउ हो सकता है एंड क्या रीज़न है तो यहाँ पे आप देखेंगे सेक्शन थर्टी वन टेक्स इन्वाइस का मैंने ओपन किया हुआ है तो सेक्शन थर्टी वन के कॉलम एफ़ में आप जब देखेंगे स्क्रॉल डाउन करके हम यहाँ पे एक पॉइंट है उसको देख लेते हैं तो कॉलम एफ़ में आप देखेंगे यहाँ मेन्शन है

तो जो आर है वो अंडर सेक्शन थ्री एंड सब सेक्शन फोर के अंडर में फॉल होता है तो यानी कि आर सी की सर्विस जो है वो भी इसके अंडर में कवर की जा रही है तो यहाँ पे मेंशन है कि आपको यहाँ पे सेल्फ इन्वाइस जनरेट करना होगा अब आपके माइंड में क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि सेल्फ इन्वाइस जनरेट करके हम उस इन्वाइस का करेंगे क्या तो सेल्फ़ इन्वाइस आपको जनरेट करना है अगर आप आर की सर्विस ले रहे हैं जी की तो सेल्फ इन्वाइस को जनरेट करके आपको प्रॉपरली उसका रिकॉर्ड रखना है अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी से टी की सर्विस लेते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे सेकेंड पॉइंट आप देखेंगे पर्सन टू टैक्स अंडर थ्री और सेक्शन फोर ऑफ सेक्शन नाइन शेल इशू अ पेमेंट पाउचर एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर्स और सेम टाइम पे जब आप सेल्फ इन्वाइस जनरेट करेंगे उस इनवाइस के अगेंस्ट में आपको पेमेंट पाउचर जो है वो भी जनरेट करना होगा एंड पेमेंट पाउचर को भी आपको मेंटेन करना है तो यहाँ पे अगर आप आरसीएम का इनपुट टैक्स क्लेम करना चाहते हैं तो प्रॉपरली आपको अगर किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी से आप जी की सर्विस लेते हैं तो सेल्फ इन्वाइस आपको जनरेट करना है एंड उस इन्वाइस के अगेंस्ट में आपको पेमेंट वाउचर भी जनरेट करके उसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड रखना है सो दैट इन फ्यूचर अगर कभी भी ऑडिट होता है और गवर्नमेंट आपसे पूछती है कि इसके अगेंस्ट जो भी आप आरसीएम के अगेंस्ट इनपुट क्लेम कर रहे हैं उसका इन्वाइस क्या है कहाँ है तो आप उस इन्वायस को वहाँ पे शो कर सकते हैं तो जब आप आर का इनपुट क्लेम करेंगे एंड डिपार्टमेंट से कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन राइज होता है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं आपने जो रिकॉर्ड मेंटेन किया है उस रिकॉर्ड को आप शो कर सकते हैं तो इस से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी एंड आप आर अपना क्लेम कर सकते हैं सो so ये छोटे से इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की आई होप ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी अगर हेल्पफुल रही है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़